अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारा ट्रैवल व्लॉग होने वाला है और मेरे साथ मामू भी ट्रैवल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सब क्या हाल हैं? सबके ठीक हैं। मैं और तैयब भाई और जा रहे हैं जी शादी पे मनसेरा की तरफ। गाइस तो... ये मुझे भी लेके जा रही है, अकेले अकेले जा रहे हैं। नहीं यार, आपको कोई नहीं लेके जा रहे हैं। आप चलो। आपने मुझे पूछा था कि नहीं जा रहा है यार? इसको तैयब तुमने क्यों नहीं पूछा? मैंने तो पूछा भाई, मामू का आग बनता है पहले, बड़ा कौन है? मैंने इसको यार, तुम्हें दोनों ने नहीं पूछा। तुम तो मामू के साथ जा रहे हो ना शादी पर? मैं शादी में गया हूँ, आप लोगों को क्या चलो आओ जाना। ये जा रहा जी करोड़ों वाला, मामू के साथ जा रहा है, बड़े भाई के साथ जा रहा है शादी पे रात को, और ये वहाँ पे इंजॉय करेगा। और हम जा रहे हैं, छोटी मोटी शादियों में नहीं जाते हम। ये भाई इरफान मूवी व्लॉग देखते हैं उधर, फिर उन्होंने कहा ना कि छोटी मोटी शादी में और इरफान देख लीजिए। सी क्या है, ये क्या कह रहा है? ये देखो जी इस्लाम भाई तो को के पे आना ने साथियां ऐसा कुछ नहीं आया। हां बिल्कुल, चलें अब आपको मिलते हैं, हमारी गाड़ी भी आ गई है, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है जी मेरे कजन अब्दुल सऊद करही साहब, माशाल्लाह ये भी साथ हमारे जा रहे हैं। सर आप कुछ बोले हमारे व्लॉग के बारे में, आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं जी आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं जी, और आपको अल्लाह पाक जिंदगी दे और अल्लाह पाक आपको इसमें तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। कामयाबी ना दे, तरक्की। यार वो एक ही बात होती है, तरक्की और कामयाबी एक ही बात हो रही है। ये तैयब साहब के मामू जी, तैयब भाई के आज माशाल्लाह कुरैशी फैमिली सारी इकट्ठी ट्रैवल कर रही है। स्नैक भाई साहब, हाउ आर यू? इनकी आवाज नहीं निकल रही है। मेरी बात सुनो जी, सुनाए जी जनाब। मैं तो सन अरबा च गल करसा इस बारे जी। अच्छा जी, क्या हुण क्यों नहीं करनो? कैमरे सामने क्यों आया? ब्लॉग ने सामने ना करना, ब्लॉग जेड़ा बनाने बनी ब्लॉग, ब्लॉग नहीं ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मोटरवे पे पहुंच चुके हैं। ये चेचियां मोटरवे इंटरचेंज है, इधर से अब हम आगे निकलेंगे मनसेरा। तो गाइस पता नहीं आपको इधर कैमरे में नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन वो सामने पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान ने इतनी के खूबसूरत मोटरवे बनाई है और इतनी खूबसूरत टनल है, और टनल के साथ माशाल्लाह से आबादी जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, और आगे टनल भी आ रही है, ये इधर अब्दाबाद मोटरवे पे जाते हुए रास्ते में आती है, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा हो। माशाल्लाह यार माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खूबसूरत, और इधर सफ़र करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है। मामू कैसा लगा आपको, मज़ा आया या नहीं? अभी हम टनल के अंदर एंटर होने वाले हैं और आपको अब टाइम लैप्स दिखाऊंगा। माशाल्लाह इतना खूबसूरत मोटरवे का सफ़र करने के बाद हम मनसेरा इंटरचेंज से उतर चुके हैं और बस हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हैं। तो अब आप जाके आप अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आना था शादी पे हम पहुंच चुके हैं और खाना लग चुका है। मामू खाने की वैसे ही बहुत लगती है यार, ऐसी कोई बात नहीं जी। थे अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद हम फ्री हो चुके हैं। मामू सबसे पहले बैठे थे और सब पूरा हेमा खाली हो गया था और मामू सबसे एंड पे उतरे हैं। क्यों मामू, क्या वजह, कितनी भूख लगी हुई थी यार? ला 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 सा लाना सा भाई उर्दू में बोल रहे हैं, ठीक है, पंजाबी में नहीं समझ आती। क्यों चुप है आप आज? जरा पता नहीं क्यों चुप हूं, मैं नहीं समझता। ये कुछ ज्यादा खा लेना तो फिर इनको चुप ही लग जाती है। तो नहीं, चुप की बात नहीं, सुस्ती पड़ गई है इधर। अब आपके लिए बिस्तरा तो मैं नहीं लगा सकता यार, सुस्ती पड़ गई है। और असम भाई, ये हमारे असम भाई हैं जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे थोड़ा खाना था जो आपको अभी सुस्ती पड़ रही है। मुझे सुस्ती पड़ी है भाई, मैंने कुछ कहा है? मुझे नहीं पड़ी, मामू को सुस्ती पड़ी। मामू जो है ना, इसको मारने में लितर है। मामू की सुस्ती फिर खुद ही उतर जाएगी। चलो ऊपर चलते हैं। नहीं अभी जगह में सब बात नहीं हुई ना। हाँ ये भी है। चलो यार इस जगह को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जरा पीछे गाने लगे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं किधर लेके जा रहे हो यार? तो यार माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जगह है मानसेरा, ऐसे है भी बहुत खूबसूरत। तो मैं भी इधर काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 7 साल बाद आया हूँ इधर। एक तस्वीर देखी होगी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो इधर मैं आगे लगा भी दूँगा, वो इधर बनाई गई थी। और आज उस टाइम के बाद मैं आज आ रहा हूँ तकरीबन 7 साल बाद। हम सर जी ये देखें, अभी हम ज़रा ऊँचाई पे आए हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मनसेरे का नज़ारा है जी। ये सारी पहाड़ियाँ मनसेरे की आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। साम भाई क्या कहेंगे माशाल्लाह शो के बारे में? भाई हम तो आते रहते हैं, आप बोले आगे। मैं तो ये जी आज दूसरी दफ़ा आया हूँ, बहुत अरसे बाद आया हूँ, कम से कम 6-7 साल बाद आया हूँ कम से कम। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आज। तो शाम कौन कौन सा रोज़ आते हैं वो भी तो आज का? कितने साल बाद आए मामू? मैं तो पिछले साल 2 साल लगातार सीरीज भी करता रहा हूँ। हाँ वो तो आप अपनी जॉब जो है आप उसके लिए जाते रहना। वैसे यार मुझे ये जगह मनसेरा वैसे है भी बहुत खूबसूरत और ये जगह भी काफ़ी प्यारी है यार। मेरा तो तकरीबन 7 साल बाद आना यहाँ पे हुआ है। सामू ये सामने जो जिधर बर्फ नजर आ रही है यार, ये कौन से पहाड़ है? ये बालाकोट और नारान कागान के पहाड़ है दोनों। इधर से तकरीबन कितने फासले पे है? इधर से तकरीबन बालाकोट है 2 घंटे का सफर और नारान कागान आपका लग जाएगा तकरीबन 2.5 घंटे लग जाएंगे। हाँ इधर से काफी नजदीक। और यार इधर से अगर इतनी ज्यादा बर्फ नजर आ रही है तो उधर कितनी ज्यादा बर्फ होगी? उधर तकरीबन 12 से 15 फुट बर्फ होगी। चलो यार इंशाल्लाह कभी जिंदगी में जाना हुआ तो देखेंगे नजदीक से भी। हम इधर से मनसेरा से फ्री होने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद उधर से निकल आए थे। तो वापसी टाइम हमने सोचा क्यों ना हम इधर से टनल के पास से गुजर रहे हैं तो फोटो शूट हो जाए। हाँ जी मामू, मामू ने भी अपना फोटो शूट करवाया। के पास हम खड़े हुए हैं, ये सबूर भाई फोटो सेशन कर रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त फोटो सेशन करते होते हैं, ये एक टाइम में फोटोग्राफर भी रह चुके हैं, इनका शॉप थी गनी फोटो स्टूडियो। जी कुरैश साहब आज आप क्या फरमाना चाहेंगे? क्यों चुप चुप हैं? चले सर। रास्ते में जाते हुए आज सूर्य साहब ने बोला कि आज मेरी वजह से 2 चलान गाड़ी की गैस किट ख़राब हुई है, तो उसके अजाले के तौर पे मैं आज आपको चाय पिलाऊंगा। कुरैश साहब कैसा फील हो रहा है आपको आज? आप अंकल का भी आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? ये आज सूर्य भाई स्पेशल चाय पिला रहे हैं। वाकई में जो आपने बात की है कि कुरैश साहब बोले आप वापस आए हैं। अच्छा ट्रैवल किया है इतना, मनसेरा से वापस आए हैं। आपने शादी को एंजॉय किया यार? खाना नहीं वहाँ पे ट्रैवल नहीं यार, ये बात शादियाँ छोड़ो। अच्छा गाले में तो ऐसी जिसमें खा तो गए हैं वो आसानी मिल गया। ये कह रहे हैं कि अफलान भाई हमें नहीं मिले वहाँ पे जिनके रेफरेंस से गए यार। वो बात ठीक है, वो आपको पता है काफी मसरूफ थे उधर सारे। मसरूफ की बात नहीं है ना, हम भी उनकी खातिर गए हैं ना, हम आपने। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन जो आपकी वजह से अदनान भाई आपके साथ क्या हुआ फिर आप बताएं जरा। तो वो बहुत 19 सालों में नहीं हुआ। 50 से बाद अभी हुआ है 2 चलान, उसके बाद गाड़ी की गैस 2 चलान, एक दिन में 2 चलान। ये दुनान भाई कह रहे हैं कि 19 साल में मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे टोटल 4 चलान हुआ है, लेकिन एक दिन में 2 हुए हैं। ये मेरे से काबिल कबूल नहीं है, मुझे हजम नहीं हो रही है बात यार। वैसे बात सोचने वाली है, और जिस वक्त वो गैस बनवाने गए हैं सिर्फ एक ही शख्स उनके साथ सूरज साहब ने हमें चाय पिलाई है, चेक करके बताते हैं कैसे मज़ेदार। साहब चाय मज़े की है यार, चाय मैंने भी चेक की है, मज़े किया मज़ेदार। उनको भी चाय अच्छी लगी है, अगर उनके 2 चलान ना होते तो अच्छा उनको ज़्यादा बेहतर अच्छी लगती है। हाँ, हम लोग वापस आ गए थे घर, और मैं भी काफ़ी थक चुका था, तो उम्मीद करता हूँ, और मामू भी अपने घर वापस चले गए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से एक अच्छा व्लॉग बना सकूँ, लेकिन जैसा भी बना आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को लाइक मस्ट है, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त।